नमस्ते दोस्तों, देखिए मैं आज ये तीन कलर से पैरदान बना के दिखाऊंगी जो छोटे छोटे कलियों से जोड़ के बनेगी। इस तरह से मैं कली तैयार करूंगी। देखिए जितनी बड़ी बनानी चाहिए, जैसे डिजाइन बनानी चाहिए उतनी कली हम तैयार कर लेंगे, फिर मैं उसको जोड़ के और पैरदान बनाऊंगी। तो बना के मैं बताती हूँ कि कैसे बनेंगे ये कली। देखिए इस तरह से मैं एक फंदे डाल लूँगी गांठ जैसी, और इसको क्या करना है, एक फंदे से मैं इसको इस तरह से फंदा ले लेके बढ़ाती चली जाऊँगी इस तरह से। तो इस तरह से एक एक फंदे हम दोनों साइड से हर सलाई में बढ़ाएंगे, तो ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से मुझे 16 फंदे इसमें करनी है। तो मैं 16 फंदे कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ आगे करना क्या है। देखिए इसी तरह से मैं दोनों साइड से बढ़ाती चली जाऊँगी हर सलाई में। बहुत ही आसान है, तो मैं बना लेती हूँ 16 फंदा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 16 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16। तो अब मैं इसमें लाल लगाऊंगी। तो कैसे लगाऊंगी लाल धागे, एक फंदे बढ़ते जाएंगे, एक फंदे मैंने इसमें बढ़ा लिए तो ये 17 फंदे हो गए। तो अब क्या करना है, हमें 8 फंदे में बना ली, 2 2 4 2 6 1 7, और ये 2 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 8 फंदे मैंने बना लिए। अब जो बाकी का जो इसमें बचे हैं, एक फंदे मैंने बढ़ाए थे उससे मैं लाल धागे लगा लूँगी। इस तरह से मैं लाल धागे लगा लूँगी और बाकी की हरे से ही बना लूँगी इस तरह से। और फंदे हमें साइड साइड से, एक एक फंदे मैं बढ़ाते ही जाऊँगी। जो साइड साइड से फंदे बढ़ेंगे वो बीच में हम ये कली तैयार करेंगे उसी फंदे से। ये साइड से मैंने एक फंदे बढ़ा ली, वो बीच में हम कली तैयार करेंगे, और ये 8 8 साइड में 8 8 फंदे तो रहेंगे ही। जो फंदे मैं साइड से बढ़ाऊंगी उसे ये कली तैयार करनी है। बीच में एक कली थी, अब 2 कली बनाएंगे। फंदे में बराबर बढ़ाते चले जाऊंगे जब तक कि लाल फंदे हमें 11 ना हो जाए। लाल फंदे मुझे 11 बनाने हैं। जब लाल वाले 11 फंदे हो जाएंगे तो मैं इसे बंद कर दूंगी, फिर घटाना शुरू करूंगी। सीधी साइड से क्रॉस कर लेना है धागे पीछे करके, और इसे जो जैसा कलर है उसी तरह से बनाना है। इसमें घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है, बढ़ेंगे उल्टे साइड से।
एक से मैंने तीन बनाए, अब तीन से पांच बनेंगे। देखिए ये दो तीन चार और एक पाँच, पाँच बन गए। इसी तरह से मैं छः फंदे और बढ़ा लेती हूँ, ग्यारह फंदे बीच की हो जाएंगे लाल वाली। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे फिर आगे बनाना है। देखिए मैं पाँच बना ली, अब मैं ऐसी ग्यारह फंदे बना ले रही हूँ लाल की, फिर मैं आपको बता दूँ। देखिए इसमें मैंने नौ फंदे बना लिए हैं, दो दो चार दो छः आठ एक नौ। अब मैं दो फंदे लास्ट की बढ़ाऊँगी तो ग्यारह हो जाएंगे। उसके बाद मैं देखिए क्या करती हूँ, ये एक फंदे मैंने ले लिए, ये दो ये तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये एक ग्यारह, ग्यारह फंदे मैंने ले ली। क्या करना है कि जो जिस तरह है उसी तरह से हमें बनाना है। फंदे तो एक एक अभी बढ़ेंगे, एक इधर से मैं बढ़ा लेती हूँ। अब देखिए आठ फंदे इधर आठ फंदे इधर हो गए और ग्यारह फंदे हो गए इधर। तो अब क्या करना है हमें, अब मैं फंदे बढ़ाना बंद कर दूँगी सीधी साइड से। ये फंदे मैं उतार लेती हूँ और जितने फंदे हैं उतने में हमें बना लेना है। इधर फंदा हमें घटाना नहीं है ना बढ़ाना है। अब उल्टी साइड से आऊँगी तो बताती हूँ करना क्या है। ये हो गई, अब क्या करना है हमें, अब मैं सफ़ेद लगाऊंगी। सफ़ेद में अब घटाएंगे, देखिए दो का एक कर ली, इसी तरह से मैं इसे घटाते चले जाऊंगी। और लाल को क्या करना है देखिए, एक लाल सफ़ेद कर लूँगी और बाकी लाल मैं नौ फंदे बना लूँगी। एक सफ़ेद शुरुआत में एक लास्ट में बना लूँगी। तो इस तरह से लाल भी घटते जाएंगे और ये सफ़ेद वाली भी बनती चली जाएगी। इस तरह से तो इसी तरह से ये कम होते जाएंगे एक एक फंदे और बीच में बर्फी बनती जाएगी, डिजाइन बनती हुई चले जाएगी और आठ के आठ फंदे यहाँ रह ही जाएंगे। देखिए
दो का एक कर ली मैंने और बाकी सफ़ेद बिन लूँगी। और ये लाल फंदे हमें बच गए हैं सात, अब पांच करनी है इस तरह से। देखिए अब कितने रह गए, एक दो तीन चार ये पांच, और ये हम सफ़ेद कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फंदा सारे घटा देना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। फंदा एक एक हम दोनों साइड से घटाते जाएंगे इस तरह से, दो का एक कर लेंगे, इसी तरह से बनाते जाएं। देखिए एक फंदे बच गए हैं, अब क्या करना है, दो का एक कर लिया और इसी तरह से मैं बुनती ही चली जाऊंगी। इसको भी मैं सफ़ेद कर लूँगी। अब हमें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ही बनानी है और एक एक फंदे दोनों साइड से घटाना, जिस तरह से मैं बढ़ाई थी। देखिए ये कली तैयार हो गई है बीच की, अब जैसे मैं बढ़ाई थी उसी तरह से घटा के एक फंदे पर ले आऊँगी। जैसे मैंने एक एक फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से एक एक फंदे घटाऊँगी। तो मैं घटा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए ये दो फंदे बच गए, दो का मैं एक कर लूँगी और इस तरह से ये फंदे ख़त्म हो गए। तो ये कली तैयार हो गई। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैं चार पांच कली बना लूँगी। जैसा हमें डिजाइन बनाना है उसी तरह से मैं कली तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि कैसे बनाना है पैटर्न। तो ये कली बनाना तो आप सीख गए, तो आगे मैं बताती हूँ कि कैसा लगा, कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों मैंने बना के तैयार कर ली है, अब इसे मैं जोड़ूँगी। तो कैसे जोड़ना है देखिए, इस तरह से पकड़ के हमें जोड़ना है। इसे मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे। इसी तरह से दोनों पकड़ के हमें सिलना है। ज़्यादा टाइट नहीं सिलना है, हल्के हल्के में सिलना है इसी तरह से। देखिए इस तरह से अब मैं इसमें दूसरा लगा लेती हूँ। इसे पकड़ के इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों मैंने सिल के तैयार कर लिया, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं अगला वीडियो में।